राम राम। आपने देखा होगा कि अभी रामायण मूवी बन रही है जिसमें कि रणबीर कपूर को राम का रोल दिया गया, प्रभु श्री राम का रोल दिया गया। ठीक है, देखो होता क्या है कि जब हम लोग किसी चीज़ को, देखो एक चीज़ समझो तुम मेरी बात, मार्केट में एक पत्थर रखा हुआ है, ठीक है, पत्थर को मूर्ति बनाया गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती वहाँ पे, ये चीज़ समझो मेरी बात, क्योंकि वो किसी भी तरीके से मूर्ति बना रहे होते हैं, काट रहे होते हैं, बट वो मूर्ति जब मंदिर में जाती है, उसके ऊपर प्राण की प्रतिष्ठा होती है, तब वो एक प्रतिष्ठित मूर्ति नहीं, वो भगवान का स्वरूप हो जाते हैं हमारे लिए, जिनको कि हम लोग आराध्य मान के अपना पूजा करते हैं उनकी, और जो भी मतलब मंदिरों में मूर्ति देखते हो, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद ही, वहाँ पे स्थापित होने के बाद ही प्राण प्रतिष्ठा होती है, उनमें प्राण फूके जाते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ एक मतलब हम ये कहें कि बड़ी एक चीज़ है, जहाँ पे हम लोग पत्थरों में भी प्राण डालते हैं। ठीक है, हम लोग नहीं डालते हैं, मतलब एक विधि होती है बहुत बड़ी। खैर, यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं, जो रणबीर कपूर का रोल देख रहे हो आप रामायण मूवी में, आ रहे हैं श्री राम के रूप में, चरित्र के रूप में, ये चीज़ इतनी गलत है कि इसका कोई लिमिट नहीं है, बट इसके बारे में कोई बात करता नहीं है, और बाद में जब चीज़ें हो जाती है तो कहते हैं कि बताओ मेरे धर्म पे, क्योंकि जब चीज़ें कोई शुरू हो रही हैं तो उसके ऊपर बात नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता है। एनिमल मूवी अगर आपने देखी होगी, ठीक है, तो एनिमल मूवी जब आपने पूरी मूवी देखोगे तो उसमें बहुत जगह ऐसे सीन थे जहाँ पे जो रणबीर कपूर हैं उनका रोल इस तरीके का था कि वो एक लड़की से बोल रहे मेरे जूते चाट आके, किसी को मार रहे हैं या किसी को गाली दे रहे हैं, किसी को थप्पड़ मार रहे हैं। अब यहाँ पे मतलब वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो अच्छा इंसान है बुरा इंसान है वो उसके ऊपर वो नहीं पता मैं, बट वहाँ पे वो एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। बट जब बात रामायण की आती है, जब बात प्रभु श्री राम की आती है, तो वहाँ पे किसी भी तरीके के एक ऐसे इंसान को कास्ट नहीं किया जाना चाहिए जिसके कैरेक्टर इस तरीके के रहे हों। ठीक है, मूवी से भले मूवी, क्योंकि जो श्री राम का मतलब कैरेक्टर रोल प्ले करने वाले हैं, लोग जब उनको देखने जाएंगे रामायण को, तो वो उनमें श्री राम को ही मानेंगे। क्योंकि तुम्हें एक चीज़ हम बताते हैं, अरुण गोविल नाम सुना होगा तुमने, जिन्होंने पिछले रामायण बनाई थी, बहुत साल हो गए उस रामायण को बने, लेकिन आज भी जहाँ भी जाते हैं लोग उनको प्रभु श्री राम के तरीके देखते हैं, उसी तरीके उनकी पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इतने बार उनको देखा है प्रभु राम के रूप में कि अब हमें लगने लगा है कि हाँ यही है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अलग कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ेगा, वरना समझ नहीं पाओगे। ठीक है, बट जब हम रणबीर कपूर की बात करते हैं, एक्टर बहुत बढ़िया हो सकते हैं, फंटास्टिक हो सकते हैं, बट प्रभु श्री राम के रोल के लिए उनको कास्ट करना एक बहुत बड़ी फॉल्ट है और बहुत बड़ी मिस्टेक भी है। वो इस वजह से क्योंकि उनके कैरेक्टर जो रहे हैं मूवीज़ को लेकर, चाहे जैसे हों, उनके जो कैरेक्टर्स रहे हैं वो प्रभु श्री राम से मैच नहीं करते हैं, जिन्होंने अपनी बीवी के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपनी पत्नी के लिए इतना कुछ कर दिया, और वहाँ पर दूसरी तरफ जो रोल प्ले करने जा रहा है उनको उन्होंने क्या किया है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे सेंटीमेंट्स जुड़े होते हैं जब हम उनको देखते हैं, क्योंकि देखते जाओ तुम, अगर रामायण ये जो आ रही है मूवी अगर ये हिट हो गई, तो तुम यकीन मानो आगे चल के रणबीर कपूर को भी उसी तरीके से लोग उसी नज़र से देखेंगे जैसे इनको देख रहे थे अरुण गोविल जी को। तो ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है मूवी इंडस्ट्री में लेके, किसी भी धर्म को, किसी भी धर्म को हो, वैसे किसी और धर्म के ऊपर तो इस तरीके की वीडियो मूवी बनती भी नहीं है, लेकिन अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो जब देवी देवताओं का रोल कोई लेता है, प्रभु राम हमारे आराध्य, तो अगर उनका कोई रोल लेता है तो इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल शोभा देती नहीं है, बिल्कुल सुटेबल नहीं होती हैं। हम कभी इस कंट्रोवर्सी में पढ़ते नहीं या बोलते नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि कैरेक्टर सब अपना प्ले कर रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट जब रामायण की बात आती है तो किसी भी तरीके का नेगोशिएशन भी नहीं होना चाहिए। राम राम।